Welcome to Borial News. Woman assaulted on suspicion of witchcraft in Dimahsal. A 39-year-old woman of New Sangbar village was allegedly assaulted on suspicion of witchcraft in Dimahsal district. The incident took place on 28 May, where the woman was forcefully took away from her house in New Sangbar by several youths to Bangpri village around 7 km from her house. The woman said that she was beaten all along the way to the village and was later taken inside the room, assaulted her and even made her to eat cow dung. She was hardly hit from behind to which she fell unconscious. Her husband even followed all along but didn't dare to confront the youths. After the youths left, she was brought to her village and was initially admitted to Umrangso Community Health Center for treatment. She was referred to Hafrong Civil Hospital on 24 May. Meanwhile, an FIR have been lodged at Umrangso police station. At first, the reason behind the motive was unknown, but sources say that the woman of Bangpri village who was lying ill for past several days said that she have seen the woman in her dreams causing the reason of her illness to which the youth assaulted. Meanwhile, All Bathe Student Union had condemned the incident and demand to nab the culprits and to take stringent action and book them as per laws. Mera naam hai William Nampui. Main All Bathe Students Association Haflong Unit ka president hu aur yahan mere sath hum log ka vice president Mr. Harmon Lal Sim aur hum log ka secretary Mr. Sang Darne aur ye hum log ka All Bathe Students Association Assam block ka जनरल सेक्रेटरी मिस रवेद दाने। तो आज मैं यहाँ पे प्रेस बुलाया क्योंकि एक घटना का बारे में बात करना चाहता है, इसलिए हम लोग आप लोग को बुलाया है। सो ऐसे बात ऐसा है कि 21 मई को एक औरत को मिस नुंसियामी नंपुई बोल के उस औरत को न्यू सांगबार से एबडक्ट किया बाय फोर्स और उसको बांगफिरी में लेके गया उस क्योंकि उसको एक्यूज़ करा है कि वो विच है बोल के ये सब सोच के उसको एबडक्ट किया है बाय फोर्स। और वहाँ पे उन लोगों ने एक रूम के अंदर बंद करके बहुत मारा और बहुत टॉर्चर भी करा है। एंड द मोस्ट सीरियस थिंग इज़ दैट वो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ भी करा है, असॉल्ट किया है और मोलेस्ट भी करा है। और न जाने बहुत सारा चीज़ है जो इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए हम लोग को भी अपना दिल में डाउट है बोलेगा कि नहीं। इतना ख़राब करा है हम लोग का सिस्टर का ऊपर, इसीलिए ये सब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगेंस्ट है। और एंड इट इज़ प्योरली कैसे बोलेगा, बुरा दिखाई देता है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्योंकि जाके विक्टिम का हालत जाके देखने से बहुत ख़राब है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वो उमरंगसो में एडमिट हुआ था एंड देन वहाँ से वो लोग वहाँ का डॉक्टर लोग से इसका और भी अच्छा हेल्थ केयर मिलना पड़ेगा क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ख़राब है, उसका कंडीशन बहुत सीरियस है बोल के उसको हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, पूरा यहाँ पे रेफर करके वो लोग हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में वो लोग अभी। और वो पेशेंट भी बहुत सीरियस है क्योंकि वो सांस लेने भी तकलीफ मिल रहा है और सिर्फ वही नहीं, उसका इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनली इंजर्ड है और उसका अभी दिकदार हो रहा है बहुत चीज़ में, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए भी। इसलिए हम लोग बहुत ख़राब लगा ये सब हुआ बोल के। और हम लोग ऐसे स्टूडेंट बॉडी ये कंडेम करता है और हम लोगों टॉलरेट नहीं करेगा। और हम लोग का सिर्फ ये मांग है कि जो भी कल्प्रिट्स वो इन्वॉल्व हुआ है वो लोग सजा मिलना है और हम लोग का सिस्टर को ज़रूर इंसाफ मिलना है। अगर
यहाँ पे अगर नहीं मिला तो हम लोग चुप नहीं रहेगा, इससे आगे भी जाएगा और हम लोग ये हम लोग का सिस्टर को इंसाफ दिलाने में हम लोग का ये कैसे बोलेगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव तो जारी रहेगा। और हम अपना तरफ से एक चीज़ हम बोलना चाहता है, आजकल का दुनिया में जब दुनिया इतना एडवांस हो रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज़ सो एडवांस, सब कुछ ऐसे चुटकी में हो जाता है, ये सब टाइम में हम लोग उन कैसे बोलेगा जो हम लोग का सोच में इतना गंदा सोच, इतना नीचा सोच जो किसी को जाके एक्यूज करेगा बिना प्रूफ, बिना एविडेंस, बिना कुछ जाके किसी के घर में दखल अंदाजी करना, ये तो सही बात नहीं है। और हम लोग ये नहीं मानता, अगर हम कभी दिन हमको हाँ कभी दिन नहीं होता है मेरे साथ भी, कभी दिन हम ऐसे बीमार होगा या कुछ होगा तो हम कुछ ना कुछ हम दोस्त लोग का कुछ मिलेगा या सपना में, ऐसा ऐसे तो नहीं होगा ना, इसलिए हम लोगों तो नहीं मानता ये सब। हम लोग का सिस्टर को जस्टिस मिलना ही पड़ेगा। और लास्ट में हम ऐसा बोलना चाहता है कि पूरा पब्लिक, जनरल पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करना चाहता है और अपील, इट्स एन अपील टू बी विद अस इन दिस फाइट, टू रेज योर वॉइसेस विद अस स्ट्रॉन्गर, बिकॉज ये किसी के साथ हो सकता है, आज हम लोग के साथ हुआ, कल आप लोग के साथ, कल किसी का माँ के साथ होगा, कल किसी का पति पति पत्नी सब लोग सबके साथ हो सकता है। इसीलिए आज हम लोग उन अपील करता है, वी अपील वी दैट द पीपल ऑफ द मासाव एंड द होल ऑफ असम टू प्लीज रेज योर वॉइसेस विद अस, दिस इज इंटॉलरेबल एंड दिस एट्रोसिटीज शुड नॉट गो अनपनिश्ड। एंड देन आजकल का क्राइम में हम लोग शेयर करता फेसबुक में बहुत चीज़, रिसेंटली भी बहुत रेसिज्म के बारे में आया, मोलेस्टेशन के बारे में आया, हम लोग शेयर करते हैं फेसबुक में। सो दुनिया भर का शेयर करने का आगे हम लोग का घर, यहाँ से जो प्रॉब्लम हुआ यहाँ का चीज़ भी हम लोग शेयर करके हम लोग का आवाज़ उठाना है, और हम लोग का आवाज़ उठा के हम लोग का सिस्टर को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग का मदद कीजिए। बस यही है मेरा तरफ से बोलने के लिए। मेरा नाम है रतक चरणजीत डाली और मैं ऑल डेटेड सिविल एसोसिएशन आसाम जोनल से गच रही हूँ। आज मैं जो बात करना चाहती हूँ वो एक ये सोशल मीडिया रिलेटेड है, एक्चुअली विच इज इन रिलेशन टू द इंसिडेंट विच हैज हैपेंड ऑन द 20th ऑफ मई 2021 विथ आवर सिस्टर मिसेस नसियामी। बट दिस इन पर्टिकुलर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पॉज which I would say some of the people who have wrongly used their words and ignorant of the fact and have said that the practice of cannibalism and witchcraft is being done. If I mention about a particular comment which is made by one person, agar main bolu to usne kaha ki dimahasa ka ek tribe, उसने मेंशन नहीं किया कौन सा ट्राइब है, लेकिन उसने कहा कि एक ट्राइब अभी तक कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करता है, तो उसने कौन सा ट्राइब का तो मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें हम लोग बोल सकता है कि हिज कमेंट और हिज स्टेटमेंट इज डायरेक्टेड टू एनी ट्राइब ऑफ दिमा हसा, इट कैन बी एनी ट्राइब, सो विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एंड अप्रिशिएटेड इन एनी सेंस, विच आई वुड से कैनिबलिज्म इज़ फार ऑफ विच वी हैव हर्ड इवन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। And this is not something which has to come up in this situation when the whole world is going through against the crisis of coronavirus, which I would say the person has to know, has to learn his act which he has done, even though if they say there is a freedom of speech, but this doesn't imply to it. And yes, we do know ki hum log social media use karta hai news spread karne ke liye, lekin ye sab news spread karne ke liye nahi hai। जहाँ पे व्हेन द कंट्री और सोसाइटी और द होल नेशन एज अ होल इज गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, तो हर मतलब किसी दो तीन या चार पांच आदमी का जो गलत वर्ड यूज करने की वजह से जो दूसरा कम्युनिटीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट या डिसहार्मनी पैदा कर सकता है,
तो ये एक चीज़ है जो हम लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. तो वी फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑल बेटर स्टूडेंट्स एसोसिएशन एंड ओवरऑल ऑल बेटर स्टूडेंट एसोसिएशन वी स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट विच इज बीइंग मेड इन द सोशल मीडिया अगेंस्ट अ ट्राइब और द पर्टिकुलर पर्सन हु हैज सेड अबाउट द ट्राइब. सो वी अर्ज दैट नो पीपल टेक दिस स्टेप इन फ्यूचर. And it is being appealed, and we also appeal the concerned authority to take action against those people who are involved. And we are not here condemning the tribe or the community. We are condemning the people involved in the act and also the post which is made in the social media. So the names and the contact number of the people have been submitted to the concerned authority. So we strongly condemn it, and we urge and we appeal the authority, the concerned authority, to take action against them and let peace prevail in every communities, and let the diversity which we are enjoying in our district be enjoyed by everyone, and let everyone be safe during this crisis. Thank you. Reporting by Gaurav Sunar, Borail News.